3 girls in Italy. Hi guys, major update. एक छोटा सा कपड़ा पूछ लो यहाँ पे, ये लोग घर मांग लेते हैं सीधा. Such a pretty place. नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है. आई एम गोपाल एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे बिकॉज़ आई जस्ट लव व्लॉगिंग. हम इस समय इटली की गलियों में चल रहे हैं. हम लेजिट यस स्पीकर लिया ना गाइस, स्पीकर लिया गाइस. हम चेक कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा लेट है गाइस, क्योंकि कल हम सुबह बहुत ज्यादा जल्दी निकल गए थे. आज हमें खुद ही घूमना है तो हम इतने लेट नहीं जितने बोल रहे हैं. नहीं, हम लेट है गाइस, हम लेट हैं, हम लेट गाइस. आई एम द मम्मी ऑफ वी कैन कम होम लेट, नो लेट घर पे नहीं आते. आज हमारा प्लान ये है कि आज हम लोगों को अपने लिए एक वेस्पास लेनी है ताकि हम वेस्पास से घूम सके. हमने इसको गोवा वाइब चाहिए हमें इटली में. हम जा रहे हैं पोसितानो. मैंने ना इंटरनेट पे देखा था, बड़ी सुंदर सी जगह है. आई एम सुपर एक्साइटेड टू गो देयर. बहुत प्यारे प्यारे कलरफुल से घर हैं, बहुत प्यारी प्यारी गलियां हैं. हम उम्मीद करते हैं हमें आज टू व्हीलर्स वेस्पास मिल जाए ताकि हम ऐसे तितली बन के अपनी मन मर्जी के हिसाब से घूम सकें. भाई यहाँ के फ्रेम्स इतने सुंदर हैं और यहाँ पता है मेरे मुँह जितने बड़े नींबू होते हैं. मैं इंडिया में बोलती थी गाइज मैं बिल्कुल भटूरा जैसी लग रही हूँ, यहाँ मैं बोलती थी गाइज मैं बिल्कुल अमालफी पोसितानो की नींबू जैसी लग रही हूँ. कद्दू से बड़े नींबू होते, तरबूज जैसे नींबू गाइज. मम्मी डॉग्स क्या भागल कुत्ते डरा दिया मुझे. इंडिया में भी कुत्तों से डरती हुई गोपाली, इटली में भी कुत्तों से डरती हुई गोपाली. ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये नींबू की खेती है और ये यहाँ सब नींबू 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 है. ऐसे हवा इतनी ज्यादा अच्छी चल रही है ना, इटली इन समर्स इज लाइक अ ड्रीम. और ऐसे गर्ल्स ट्रिप तो इज लाइक अ चेरी ऑन टॉप. यहाँ के लोग भी काफी ज्यादा स्वीट है, काफी ज्यादा स्वीट है. पर यहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, बस गिरो मत चलते चलते मेरी तरह. मैं कल खुद इतनी बार गिरते गिरते बच्चे अपने फ़ोन 3 बार गिरा दिया. यहाँ आपको टैक्सी टुक्सी मिलना मुश्किल है और स्टेशन बस स्टॉप तक जाना और मुश्किल है. गाइस दिस इज़ द प्लेस जहाँ से हमें वेस्पा वगैरह मिलने वाली थी, पर इनकी दुकान बंद है, ये शाम को खोलेंगे. तो अब हम लोग सोचे हम सोरेंटो चले जाते हैं और हम सोरेंटो में टू व्हीलर ढूंढने की कोशिश करते हैं. हेलो, 3 सोरेंटो. क्या बनाया इन लोगों ने? गाइस वी आर हियर इन सोरेंटो. We are taking this scooty और ये बहुत ही प्यारी सी वेस्पा, व्हाइट कलर की. मेरी फोटोज अच्छी आएंगी. यहाँ से ड्राइव करके स्कूटर्स वगैरह तो है ही, बट वेट, यहाँ पे आप ऐसी बहुत सुंदर सी कार भी रेंट कर सकते हो. मेरा बहुत मन कर रहा है इसे रेंट करने का. मैं अपने साथ अपना लाइसेंस भी लेके आई हूँ, पर यहाँ ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. दिस इज सुपर क्यूट. Excuse me, do we have the red car? I have another color. How much is this price for allora, a day? It's 350 under the euro. 350. कितना होता है? 30,000 नहीं, कोई 30,000 रुपया. मैं पीके की वो लग रही हूँ. यशवी दिखा. गाइस जो हम गोवा में करते हैं वो हम यहाँ भी कर रहे हैं. स्कूटर का वीडियो ले रहे हैं. यहाँ पे एक डेंट है ऑलरेडी. Means sorry, 1-2 times. गाइज हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया और ये देखो व्यू, सो प्रिटी. गाइज 3 गर्ल्स इन इटली. गाइज वी आर हियर इन पोसितानो. बहुत सुंदर व्यूज थे, कुछ छोटे छोटे घर, साथ में पहाड़ और समुद्र, इतना प्यारा लग रहा था. अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं. यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक जैसी सिचुएशन है, हम फिगर आउट करें हमें पार्क कहाँ करेंगे. और फिर हम पहले जाते हैं कुछ खाते हैं. जब मैंने ब्रेकफास्ट किया है, लंच का टाइम हो गया अभी, तो बहुत ज़ोर की भूख लगी है. पर मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है. और हम पहुंच चुके हैं पोसितानो. भाई कितनी सुंदर गलियां, रुको मैं आपको दिखाती हूँ. लुक्स एग्जैक्टली लाइक इंस्टाग्राम. दिस इज सो प्रिटी. गाइस यहाँ पे आपको हर चीज में नींबू मिल जाएगा. एवरीथिंग विद लेमन्स.
मैंने ना यहाँ ब्लेंड इन होने के लिए कल कपड़ी से ये लेमन वाला स्कार्फ ले लिया था जो मैंने मेरे बैग पे लगा लिया. लुक्स वेरी प्रिटी. माय गॉड ये देखो. सुंदर गलियां हैं भाई साहब. यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे तो अब वो मैंने बहुत अच्छा अपना सॉफ्ट गर्ल मेकअप और फैशन किया था जो ख़त्म हो गया. अभी जहाँ हम खाने जा रहे हैं वहाँ मेरा सॉफ्ट गर्ल एरा रिन्यू करवाती हूँ. चलो गाइस, हमने ना हमारी एक्टिवा वहाँ पे पार्क कर दी है. अब हम चढ़ के थोड़ा सा ऊपर की साइड जा रहे हैं. बहुत सुंदर जगह है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है बट बहुत प्यारी जगह है. मैंने ना कल वो लेमन सॉर्बे ट्राई किया था कापरी में और मुझे इतना मन कर रहा है वो वापस खाने का. खाना खाते हैं फिर लेमन सॉर्बे खाते हैं. मैं जैसे थोड़ी सी नींबू बन के भी आई हूँ. बहुत ही सुंदर से व्यू के साथ हम इंजॉय कर रहे हैं. स्पेगेटी पेस्टो मंगवाई है मैंने, इसने गनोची समथिंग मंगवाया है और वो है वेजिटेबल पास्ता. गाइस 40 मिनट से ये कर रही है. दो अश्लील लड़कियों के साथ ट्रिप पे आ गई. इन लोगों की आधी बातें तो मैं इंटरनेट पे डाल भी नहीं सकती. गाइस जानवी को ना ये नींबू वाला स्विम सूट बहुत टाइम से पसंद आ रहा है. एक तो एक छोटा सा कपड़ा पूछ लो यहाँ, एक छोटा सा कपड़ा पूछ लो यहाँ पे, ये लोग घर मांग लेते हैं सीधा कि लिखवा दो अपने वो प्लॉट हमारे नाम पे. ऐसे कैसे चलेगा यहाँ पे. गाइस खा पी के मस्त बहुत सारे सुंदर सुंदर फोटोज लेके हम निकल चुके हैं पोसितानो की गलियां एक्सप्लोर करने. यहाँ पे हमें बहुत सारे इंडियंस भी मिले, बड़ी मज़ा आई. काफ़ी सारे लोग इंडियंस, हाँ यहाँ पे इंडियंस काफ़ी. मौसम भी बहुत अच्छा है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहे हैं. चलिए चलते हैं, अभी हम लोग बीच की साइड जा रहे हैं और ऐसे पोसितानो की कलरफुल गलियां एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. भाई यहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग में इतने सुंदर सुंदर कपड़े, इतने प्यारे लिनन्स हैं, कुछ कहने को नहीं. बैग्स इतने सुंदर सुंदर हैं, कितने क्यूट बैग्स हैं. अ लॉट ऑफ इंडियन प्रिंसेस देयर हियर एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव. एवरीथिंग इंडियन पेस्ट लाके लोगों ने रख दिया है. हां जो हमारे यहां जयपुर उदयपुर में जो ब्लॉक प्रिंट का काम चल रहा है ना वो भी आपको यहां पे मिलेगा. आप ना कर सकते हो गाइस, आता पाएगा. और देखो गाइस जेन्युइनली मैं कितनी सुंदर लग रही हूं. ब्यूटी ऑफ द विजेट इज हियर गाइस, जो हमारे यहाँ लिटरली 300 में मिलेगा. भाई हिल रोड पे 300 में मिलेगा, ज़्यादा बार्गेन कर लोगे अच्छी तो 200 में भी मिल जाएगा. इधर वो बेचती है 1800 रुपये का. पतली पतली गलियाँ बड़ी सुंदर हैं, बहुत मज़ा आ रही है. वी आर हियर एट पोसितानो बीच. ये गाइस जब भीड़ देख रहे हो ना, ये सब लोग बोट से या फेरी से आए हुए हैं. सोरेतानो से सोरेंटो से नापोली से, बहुत सारे रोम से, बहुत सारी जगह से यहाँ पे डे टूर की ट्रिप्स आती हैं. तो ये वही लोग आए हुए हैं. कल हम लोग भी ऐसे ही गए थे. गाइस मुझे मिल गया है ये हमारा लेमन सॉर्बे. जानवी पानी का टेम्परेचर चेक करने गई है क्योंकि इन्हें पानी के अंदर जाना. टेम्परेचर चेक करते तो इससे पानी उठ भी नहीं रहा. ये ले, ये कोनी पर डाल दे मेरी. अरे बहन गाइस पानी तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंडा है. चलो अब बीच पे ही बैठते हैं. गाइस हम मम्मी से गप्पे मार रहे हैं, मम्मी को जीवन अपडेट दे रहे हैं, मम्मी से अपडेट ले रहे हैं. सो यमी पता है इससे फुल पोसितानो वाइब्स आ रही है. एकदम बीच पर बैठे हुए हैं, सामने पानी की लहरें हैं, पीछे इतने कलरफुल प्यारे से घर हैं.
सनसेट तो नहीं हो रहा है क्योंकि कोई सन ही नहीं था, बहुत क्लाउडी वेदर हो गया एकदम से, पर बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, ये हम जो अपने साथ लेके आए थे। अभी हम लोग जा रहे हैं पार्किंग की ओर क्योंकि अब हम लोग गाड़ी लेंगे और हम जाएंगे वापस अपने एयरबीएनबी, थोड़ा चेंज वगैरह करेंगे और फिर हम जाएंगे सोरेंटो। कल हम लोगों ने सोरेंटो किसी गलियाँ वगैरह एक्सप्लोर की थी, पर आज हमारा मन है सोरेंटो में अच्छे से डिनर करने का। Ciao da Positano, Bombali, Gianvi, Yashmi. Yashmi, ciao. पार्क ही नहीं हो रही है। धूम के कास्टिंग डायरेक्टर्स अगर कोई देख रहा हो तो प्लीज आप ये दोनों लड़कियों को कास्ट कर सकते हैं। हेलो जी, हेलो, वी आर बैक होम। अभी बहुत जोर की भूख लग रही है क्योंकि यहाँ दिन बहुत लंबे होते हैं। अभी यहाँ पे कितने बज रहे गाइस, यहाँ पे अभी 7:30 बज रहे हैं और यहाँ पे अभी इतना उजाला है, सनसेट नाम की कोई चीज नहीं हुई है, बहुत ही प्यारा सा अभी भी सन बाहर है। और हम लोग अभी घर पे आ गए क्योंकि आज हमारे पास थैंकफुली एक्टिव है तो हम ये कर सकते हैं कि हम थोड़ा चेंज वगैरह करके जा सकते हैं, नहीं तो हम कल तो हम लोग बस ऐसे ऐसे इधर उधर दौड़ भाग रहे थे। अभी बहुत भूख लगी और यहाँ पे खाना काफी एक्सपेंसिव भी है तो हमने ऐसा ट्राई किया है कि हम थोड़ा सा खुद बना लें और थोड़ा सा हम बाहर से ले लें। हम लोग वो ड्राई वाला खाना लेके आए जिसमें आप गर्म पानी डालो और खाना बनके तैयार हो जाएगा। सो यस, अभी हम लोग भाजी बना रहे हैं जो हम ठेपला के साथ खाने वाले हैं। Guys, typical Gujarati. This is Jain bhaji, by the way, which Yashvi has got for us. And also we have some theplas. और हमने हमारे पास एक कोक भी है. Sorted. ये आपको हमारी बालकनी से धूप दिख रही है? यहाँ पे रात के 8 बज रहे हैं गाइस। इनकी धूप जेन्युइनली वो होती है जो एकदम प्यार से आके आपको किस करे, जैसे सन किस। गाइस, कोई ऐसा लग रहा है पूड़ी बना रहा है, मुझे पूड़ी बनने की खुशबू क्यों आ रही है? पूड़ी कचौड़ी बनने की खुशबू नहीं आ रही है, फिश फ्राई होने की आ रही है। गाइस, न्यू टाइम न्यू अस। गाइस, आप वाइब देख रहे हो एकदम से। रुक जा, हमारी पूड़ी दिखा। Yes guys, and this is my outfit because मेरे को बहुत ठंडी लग रही है यहाँ पे। ठंडी नहीं है guys, पर मैं बता रही हूँ मुझे लग रही है guys, पर नहीं है। मैंने भी इसलिए पहन रखा है क्योंकि हम टू व्हीलर पे जाने वाले, टू व्हीलर पे यहाँ पे ऐसे हवा के थप्पड़े पड़ती है, इन्हें करनी फैशन। मुझे अपने आप को बीमारी से बचाना है, मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती, ठंडी तो मुझे बहुत जल्दी लग जाती है, तो इसके अंदर मैंने भी हॉट कपड़े पहन रखे हैं। मैं इन दोनों की फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर बनी हुई हूँ। मुझे जोमेटो वाला बंदा बहुत फेमस नहीं हो गया तो उसके जैसी लग रही हूँ। हेलो जी, हम लोग आ गए हैं सोरेंटो, बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है ये। यहाँ पे आपको एक्चुअली मार्केट वगैरह दिख जाएगी क्योंकि हम लोग जिस जगह पे अभी रुके हुए हैं वो एकदम रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे अभी लोग सोने जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है तो एकदम ऐसे टूरिस्टी वाइब है यहाँ पे। यहाँ पे आपको मस्त मस्त चीज़ें मिल जाएंगी। हमने हमारी स्कूटी भी यहीं से रेंट की है, हमने हमारी टू व्हीलर कहाँ पे पार्क किया। ये गाड़ी देखो, ये गाड़ी देखो कितनी क्यूट है। हम आ गए हैं मेरी फेवरेट जगह ऑब्वियसली, हम आ गए हैं सुपर मार्केट जिनके पास बहुत अलग अलग टाइप के पास्ताज हैं। पे बेसल के फ्रेश पौधे मिल रहे हैं। हमें चाय वगैरह बनाने के लिए दूध लेना है पर हमें समझ ही नहीं आ रहा इसमें कौन सा दूध क्या है कैसा है। चाय मैं ना बहुत खुश थी ऐसे बहुत सारी जगहें और स्पेसिफिक ऐसे पोसिटान पर मुझे मज़ा आ रही है गाइस। इटालियन मिल्क लाते दी कापरा इंतेरो डाइजरेबल ई पोंते दी काल्कियो। आई एम सॉरी अगर आपको इटालियन आते हो मैं गलत बोल रही हूँ। ये इसका मतलब होता है 100% बकरी का दूध, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए गाय का दूध। यहाँ पे हर तरीके की चीज़ मिल रही है। यहीं से सारे सॉस ये जितने भी हम खाते हैं ये इडली से बन के आए हैं, जितने भी हम पास्ता पुस्ता में खाते हैं। गाइस, यहाँ पे भी राजमा मिल रहे हैं, भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। थोड़े से मोटे राजमा, नहीं बॉडी शेम नहीं कर रही हूँ पर राजमा जैसे ही लग रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ राजमा ही होंगे। चना भी है यहाँ पर। गाइस, गंदगी बहुत बढ़ गई है तो साफ़ सफाई का सामान भी मिल रहा है, बट आपको किसका दिल साफ कराना है। एंड देन वी हैव सम ब्रेड्स एंड स्नैक्स एंड सम क्रोसॉन्स। कॉफ़ी नहीं मिली है मुझे, कॉफ़ी पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा तो कर रही है। जैसे एक
fashion trend. Guys, we are here at city center, so तेज लोग हो गया गाइस यार यार सिटी सेंटर जो तो खाना खाना है मुझे चलो गाइस स्पेगेटी आलू ओलियो पेपरचिनो गाइस मैं जब से इटली आई हूँ मैं ढूंढ रही थी कहाँ मिलेगी ये मुझे क्योंकि मैंने सुना है बनी है यहीं से पर मुझे यहाँ दो दिन से मिली नहीं है And spaghetti aglio olio peperoncino spaghetti with vegetarian hot no eggs vegetarian no eggs no eggs and one coca cola vegetarian coca cola vegetarian thank you guys I have my spaghetti aglio olio peperoncino chalo taste karke dekhte hain ये बहुत ज्यादा कच्चे हैं हेलो जी गुड मॉर्निंग इट इज डे 2 ऑफ दिस व्लॉग एंड डे 3 ऑफ अस इन इटली तो हम लोग आज जाने वाले हैं माल्फी कोस्ट आज हम माल्फी चले जाएंगे तो हमारा इस सोरेंटो वाला जो पार्ट है ही खत्म हो जाएगा कल फिर हम लोग एक और नई जगह जाने वाले हैं जिसके लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ अभी मैं एकदम मस्त नहा के गुड गर्ल बन गई हूँ चलो फटाफट से तैयार हो जाते हैं मैं आपको तैयार होकर मिलती हूँ टाणा आई एम ऑल रेडी बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है मुझे मेरा मेकअप देखो हम ना माल्फी जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने ये नींबू वाली इयर रिंग्स पहन लिया और मैंने बहुत ही सुंदर सी येलो कलर की ड्रेस पहनी है ये एवरीबडी इज रेडी चलो चलें अभी ना हम लोगों को हमारी स्कूटी जो है वो वापस लौटानी है और हम लोग माल्फी बोट से जाने वाले हैं क्योंकि माल्फी यहाँ से दूर है आप स्कूटी या कार से भी जा सकते हो पर हम लोग बोट से जाने वाले हैं गाइज व्हाट लिविंग लाइक अ गर्ल फील लाइक ये हमारा हेयर एसेसरी का बैग है और ये देखो हमारा सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ पड़ा है क्योंकि हमारे पास अभी टाइम ही नहीं मिल रहा हम लोग आते हैं रात को इतने थके होते हैं सो जाते हैं और सुबह हमें हर रोज़ जल्दी निकलना होता है तो फटाफट जल्दी निकलते हैं गाइज यहाँ इन लोगों ने ना इतना बड़ा ये देखो पम्पकिन रखा हुआ है ये कितने से हैलोविन फील्स ही दे रहा है और यहाँ पर ना हमारे जो ओनर हैं उन लोगों ने नींबू रखे हुए हैं उनकी खुद ही नींबू की खेती है पीछे गाइज ये ना इसे थोड़ा सा ना मुझे ये वाली जो लेना है मुझे मेरे नानी के घर की फील्स दे रही है मेरे नानी के घर के बाहर गली में भी ऐसी ही टाइल्स लगी हुई है कल रात को ना मुझे मम्मी की याद आ रही थी ऐसे मेरे को ऐसा लगता मुझे मम्मी चाहिए पर ठीक है मैं एक दो घंटे के लिए होम से खो जाती हूँ इस वाली ट्रिप पे थोड़ी सी हो रही हूँ मैं जितनी बड़ी होती जा रही हूँ ना मैं मेरे घर से ज़्यादा कनेक्टेड होती जा रही हूँ आई एम रियलाइजिंग दैट ये देखो इटली का एक छोटा सा गाँव और ये रहे हम हमारे स्कूटर पे वापस गाइज हम आ गए सोरेंटो ब्रंच करने और हमारी जो बोट है वो भी यहाँ पोर्ट से ही जाएगी पर उससे पहले हम कुछ खा लेते हैं हम यमी सा ब्रंच करने आ गए और यहाँ पे बैठ के बहुत टूरिस्टी फील हो रहा है यहाँ पे ना लिटरली रोड पे ये लोग ऐसे टेबल चेयर लगा देते हैं और इससे अब देखते हो आजू बाजू से लोग आ जा रहे हैं शॉपिंग कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये लिटरली एक चौराहा है चार रास्ता है जहाँ पर इन लोगों ने टेबल कुर्सियाँ लगा दी हैं और हम बैठ के यहाँ खाने वाले हैं Any vegetarian sandwich? You wanted the no eggs. You wanted the sandwich with the vegetables. Yeah. Yes. Yes. Okay. No egg. No mushroom. No. गाइज आप मेरी कॉफ़ी देख रहे हो कितनी खूबसूरत लग रही है नीचे वाइट बीच में ब्राउन फिर से वाइट ये ऐसे बहुत देर वेट किया मैंने मेरी कॉफ़ी का बट गाइज द कॉफी सो गुड यहाँ बुरी बेटी की फोटोज ली जा रही हैं और मुझे बोला गया हंसा इनकी कैंडिड पिक्चर्स का राज है गोपाली तिवारी कई भी अपने जैसे आलू वाली सैंडविच बनाती है ना मम्मी ये लोगों ने चीज और चुकीनी डाल के बनाई है जी हमें सोरेंटो पोर्ट से कोई भी बोट नहीं मिली थी तो हम लोग आ गए बस स्टेशन पे हमें बस मिल रही है तो अब हम बस से जा रहे हैं ये थोड़ी सी लाइन सी लगी हुई है बट यस लेट्स गो गाइस हमने टिकट ले ली है फ्रॉम सोरेंटो टू अमाल्फी सो क्यूट कैचिंग अप ऑन माय फैमिली नानी मम्मी मामा दादी ग्रुप चैट गाइज ये बस ले लिया है ये गोल गोल पहाड़ वाला रास्ता है अभी सर घूम रहा है मेरा बस में बहुत ज़्यादा अभी तो और 40 मिनट का रास्ता है
ये बॉन्डेड लस ना मेरा सारा बस में आके निकलता है, मुझे ट्रेन फ्लाइट जो ब्लॉक बस ऐसे गोल 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 घूमते हैं ना, मेरे कुछ कुछ होने लग जाता है। हेलो जी, वी आर हियर इन अमालफी। भाई रास्ता थोड़ा गोल गोल था, प्री बुक कर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, हमने बोर्ड ऐसे लग रहा हम स्मार्ट बनेंगे, पर ठीक है। बहुत ज़्यादा सुंदर जगह लग रही है ये, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। पता है ऐसे इंस्टा शॉपिंग सस्ती है, मुझे पता नहीं कैसा ऐसी बाई बात, क्योंकि हमें अभी तक की ऐसी लग रही थी कि महंगी है। ये देखो ऐसे रेस्टोरेंट्स इतने प्यारे लग रहे हैं, ये दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल, ये आपको पानी खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके पास पानी की बॉटल है, आपके पास फाउंटेन्स लगे हुए हैं, जाओ पानी लो। थोड़े अश्लील हैं बस, थोड़े से अश्लील चल इन इनसे भर ले, ये मटके में से भर ले। हमें पक्का नहीं पता था ये वाला पानी पीने वाला है नहीं, हमने किसी से पूछा नहीं, हमने देखा सब भर रहे हैं, हम भी भर सकते हैं। We are buying this cute little fridge magnet. और ये दुकान देखो कितनी सुंदर है, ये देखो गाइस, यहाँ पे ना आपको ऐसी कस्टम मेड चप्पल बहुत सारी मिल जाएंगी, इतनी सुंदर सुंदर है। आपको जो स्ट्रैप चाहिए, जो कलर्स चाहिए, गाइज यहाँ पे ना बहुत सुंदर सुंदर लिनन्स मिलेंगे, और ऐसी ना बहुत सुंदर सुंदर लिनन वाली ड्रेस मिल रही है। तो जानवी को एक लेनी थी, जानवी अंदर ट्राई करने गई, उन्होंने ऐसे जुगाड़ से ट्रायल रूम बनाया हुआ है। थैंक यू, बाय बाय, चाओ चाओ गाइज, माय न्यू आउटफिट। गाइज जानवी के आउटफिट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमने आउटफिट चेंज कर लिया है और ये काफी कूल लग रहा है। गाइज सच अ प्रिटी प्लेस, भाई साहब बहुत मज़ा आ रही है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी जगह है। अभी हम गलियों से निकल के थोड़े से बाहर आ गए हैं, बाहर ऐसे थोड़ा एक्सप्लोर करें, आज कोई एजेंडा नहीं हमारा। हेलो जी, हेलो, अमालफी से हमारा वापस आने का टाइम आ गया, अभी हमें बस लेनी है, और बस एक्चुअली 2 से 2.5 घंटे ले लेती है, और अगर ट्रैफिक मिल जाता तो 3.5 घंटे भी ले लेती है। तो हम थोड़ा सा कुछ खाना पैक करवाने आए हैं, जानवी और यश भी लाइन में लग चुके हैं। गाइज ये भीड़ देख रहे हो आप, भीड़, ये इनका पर्सनल दादर है, यहाँ का दादर। हेलो गाइज, हम पहुँच रहे हैं हमारे एयरबीएनबी, और भाई ये यूरोप वाले बहुत चलते हैं, इनके यहाँ पर टैक्सी वैक्सी ही नहीं है, आपको अपने रेलवे स्टेशन से अपने एयरबीएनबी तक चल के जाना है, जो लगभग लगभग नहीं तो 40 किलोमीटर की दूरी पर बनाया है इन लोगों ने, पहुँचा जा नहीं रहा है। हाँ, आई एम ग्लैड मैं मम्मी पापा के साथ नहीं आई हूँ यहाँ पे, अगर मम्मी पापा के साथ ये वाला एयरबीएनबी लिया होता ना, तो फिर वहाँ मुझे मंदिर बनवाना पड़ता, तो वो लोग चल लेते। सुबह सुबह तो क्या, मेरे अंदर फुल एक्साइटमेंट होती है, मैं वो बिल्कुल बंदर की तरह भाग के पहुँच जाती हूँ, रात तक आते आते मैं एकदम आलसी बन जाती हूँ। हाँ, आगे पता चलता है कि आपकी फिजिकल जो हेल्थ है उसकी तो वाट लगी हुई है बेटा, हमसे बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग ऐसे जल्दी 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 चल के आगे निकल जा रहे हैं, मैं यहाँ पे हम कर रही होती हूँ। पर नहीं भाई, यूरोप वाले बहुत ज़्यादा चलते हैं, और यहाँ पे जेन्यूनली गाड़ियाँ वाड़ियाँ काफ़ी कम यूज़ होती हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हेलो जी, वेलकम टू कुक विद गोपाली। आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी इटली में, क्योंकि हमें थोड़े से इंडियन मसाले की ज़रूरत है, तो हम एक्स्ट्रा मैगी मसाला डाल के मैगी बना रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पे जैन भाजी है, तो हम जैन भाजी भी बनाने जा रहे हैं, जो हम थेपला के साथ खाने वाले हैं, नहीं नहीं, जो हम पिज्ज़ा के साथ खाने वाले हैं गाइस, सॉरी। सो सीन ऐसा है कि हम लोग कल सुबह रोम के लिए निकलना है। अभी जाओ जमवानू तैयार छे, हमने मस्त अपना ऐसे इंडो इटालियन खाना बना लिया है, पिज्जा, चाय, सम चिप्स, सम मैगी, सम भाजी, खाखरा, डेजर्ट भी हमारे पास किटकैट सॉर्टेड। लेट मी ट्राई द पिज्जा, पिज्जा इज टेस्टी। नेल्स करवाने के बाद ना थोड़ा सा ऐसा, ये तुझसे ही नहीं होता, हमसे तो हो जाता है। यहाँ पे भी रात को आके हम क्या बना रहे हैं, मैगी। मैंने रामेन भी ऑर्डर की थी, मैंने सोचा था यहाँ रामेन लेके आऊँगी, पर भाई जगह ही नहीं थी बैग में रखने की, या तो हॉट रामेन आ पाती या तो मैं हॉट लग पाती, सो मैंने चूज किया मैं हॉट लगूंगी, अच्छे कपड़े लाके।
गाइस थोड़ी सी ना डरावनी सी आवाजें तो आ रही है इस एयरबीएनबी में। बाप अमकिन वगैरह भी रखा है। हाँ बाहर कद्दू वद्दू भी रख दिया है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं सुबह बहुत ही जल्दी उठी, मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, आप सोच सकते हो, क्योंकि हमारी ट्रेन है और मुझे ऐसा तुम्हारी ट्रेन में सो जाएगी। तो मैं हर आधे घंटे पर उठ रही थी। हमें वैसे उठना था 8:30 बजे बट मैं 5 बजे उठ गई थी, तो अभी मैं 1.5 घंटा से थोड़ा सा काम वाम निपटा रही थी और अब मैं आ चुकी हूँ बालकनी में। और आप मेरा व्यू देखो, 2 मिनट शांति रखो और सुनो, मस्त बर्ड्स की चौपिंग की आवाज आ रही है। आज हम लोग रूम जाने वाले हैं, सुपर एक्साइटेड। ये कहीं हमारा कचरा जो मुझे देखना है और एक सुपर सुंदर लाके यहाँ रख दिया है। ऐसे हम पहाड़ चढ़ाते हैं। नाइस गाइस, फ्रेश ऑरेंज जूस बन रहा है यहाँ पे। क्या मस्त ऑरेंज जूस की मशीन डाल रखी है इन लोगों ने। मेरी कॉफी भी बनने झोड़ रही है। थैंक यू। ये क्या बनाया इसने, ये क्या बनाया है, ये कैसी आइस कॉफी है गाइस। मेरी कॉफी ऐसा लग रहा है कोल्ड कोको बना के दे दिया है। बोल रही थी आइस लाटे सुनी नहीं इसने मेरी। हम पता है डालगोना कॉफी का जो जाग बना के ना वो जाग दे दिया है गाइस। भाई ये क्या है, तुमने इसे जहर दे दिया क्या, मुझे इटली में आके मारना चाहती है। गाइस डीआईवाई कॉफी जानू बस। वो हंस रही हमें देख के, ये पागल लड़कियाँ क्या कर रही है। ये भी कड़वी है, दूध मिला है। This is drinkable guys, this is drinkable. Guys, we are here at Napoli Centrale. वहाँ पे हमारी ट्रेन का नंबर दिख रहा है। यहाँ के लोगों को तो कैसे समझाओगे, मुझे खुद को से डर लगता है। एकदम भारी बर्तन सा बड़ा सा कुत्ता लेके चल रही हूँ अपने साथ। जिन्हें कुत्तों से डर नहीं लगता ऑल गुड, बट मेरे जैसों का क्या भाई, मेरे जैसों का कोई इससे बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देख रहा है। मैंने चश्मा लगा लिया ताकि उसे पता ना चले कि मैं भी उसे ही देख रही हूँ। अभी हमारा यहाँ से 1.5 घंटे का सफ़र है। बहुत मुश्किल से हमारे बैग्स कुत्ते मिले। मुझे तो भूख लग रही है, मुझे कुछ अच्छा खाना है। हेलो जी, हम पहुँच चुके हैं रोम। जो आप पीछे देख रहे हो ये है रोम टर्मिना, रोमा टर्मिना की यूके साइज। और यहाँ से हमें मेट्रो दिख गई है। हमें एक बार मेट्रो चेंज करनी है और फिर हम हमारे एयरबीएनबी तक पहुँच पाएंगे। चलो, ये बहुत ही सुंदर रेलवे। हाँ रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर है। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको मैक का स्टोर मिल जाएगा, बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्रांड्स हैं यहाँ पे। मतलब ये एयरपोर्ट लग रहा है, ये आपको रेलवे स्टेशन वाइज बिल्कुल नहीं दे रहा है। गाइस ये इनका मेट्रो स्टेशन है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट हमें कौन सी मेट्रो लाइन मिल रही है, उधर जाना है। हम बारी बारी करके लोगों से पूछने जाते हैं, कभी जानने कभी मैं कभी अश्विनी। अभी हमें इधर जाना है। वो ना ख़राब हो गए हैं तो हम लोग ना यहाँ से आ रहे थे। एक इतने स्वीट से भैया थे, उन्होंने हमारी हेल्प कर दी है। दोनों, हाँ जानवी की बैग मेरी बैग, हम दोनों की बैग उठा ली थी। सो क्यूट, थैंक यू सो मच, अच्छे लोग हैं गाइस। ये रही मेट्रो लाइन, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बीच वाली जगह पे जाना है, जियो वाली समथिंग, जहाँ से हमें लाइन चेंज करनी है। हाय गाइस, मेजर अपडेट, वी आर इन रोम फाइनली। और हमारा वेलकम बहुत ही बेकार हुआ है। हम चोरों के शहर आए गाइस फॉर रियल, एंड लकीली हम थोड़े बच गए हैं और थोड़े फंस भी गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। तो हम लोग ना ट्रेन तक तो सब सही थे, जब तक हमें मेट्रो पकड़ने की बारी आई तो हम गलत लाइन पे थे। हम सबसे पूछ रहे थे वी फॉर फिगरिंग इट आउट, तो हमने एक अंकल से पूछा, उन्होंने बोला वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। तब तक मेट्रो आ गई थी और हमने बोला हम इस पे नहीं जा रहे हैं। तब तक लड़की आती है पीछे से और बोलती है नहीं यही तुम्हारी ट्रेन है और वो हमारे लगेज लेके आगे जा रही है। ठीक है, और जैसे ही हमने कहा कि नहीं नहीं, बट वो लड़कियां बहुत क्यूट इनोसेंट स्वीट लग रही थी, ऑफ कोर्स यू शुडंट फॉल फॉर दैट। तो हम लोग भी चढ़ने लग गए क्योंकि लोग भी हमें अंदर से ऐसे ऐसे कर रहे थे। नहीं, लोग हमें अंदर से ऐसे नहीं कर रहे थे जानने। अरे मतलब हम चढ़ने लग गए तो लोग हमारी हेल्प कर रहे थे ऐसा मेन, तो और कोई हेल्प नहीं कर रहा था हमारी, वो लड़कियां ही सिर्फ कर रही थी। और मैं बता रही हूँ वो लड़कियों ने क्या किया ना, जो वो दरवाजा होता है ना वो उसके बटन प्रेस कर रही थी, मैं तो लिटरली ऐसे कंप्रेस हो गई थी ना, वो सो इरिटेटेड है।
मुझे लग रहा था, मुझे उस टाइम पे लगने लगा था कि देयर इज समथिंग फिशी, क्योंकि वो भी हमारे साथ चढ़ रही थी, वो अंदर चढ़ गई थी, वो अंदर जाके मेरा बैग खींच रही थी, पर जैसे ही हमने बोला नहीं हमको नहीं चढ़ना है क्योंकि इतनी भीड़, और अंदर जो जो मेट्रो में लोग थे ना वो लोग मुझे लगता है समझ गए थे, तो वो लोगों ने हमको बोला नहीं ये नहीं जाएगी, उतरो उतरो। तो इस बीच में गेट बंद हो रहा है, बहुत ज्यादा केओस हो गया हाँ, और हम लोग नहीं चढ़े। तो अगर तुम पहले उस ट्रेन में चढ़ रहे थे क्योंकि तुमने बोला तुमको भी जाना है, तो तुम क्यों नहीं चढ़े, तुम बाहर आ गए। तो मैं और यशी हम लोग बहुत ही ज्यादा हमें लगा भाई समथिंग फिशी, हमने हिंदी में बात भी की ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने दूसरे लोगों से पूछा और हम हमारे राइट लेन पे गए, हम वहाँ पे वापस चढ़ रहे हैं, ठीक है। चढ़ते टाइम पे अब लड़कियां बदल गई हैं, ठीक है, जान सेम है इनका, पर लड़कियां बदल गई हैं। उसमें से एक थी ब्लू ड्रेस वाली, जो तो बहुत एविडेंटली हमें याद है क्योंकि वो क्यूट थी बहुत ज्यादा, और हमें बहुत स्ट्रॉन्गली वो पता नहीं क्यों याद है। आगे हम गए वो वाले पे, हम लोग चढ़ने लगा अगेन। जैसे ही हम चढ़ रहे हैं हमारे पास दो दो लगेज है दोनों के पास, गेट बंद हुआ है, ठीक है, गेट बंद हुआ है, हम वापस फिगर आउट कर रहे हैं गेट बाकी जगह बंद नहीं हो रहा, मतलब ऐसे कैसे कि मेट्रो आई गेट बंद होने लगा, अरे भाई लोग चढ़ेंगे उतरेंगे पर गेट बंद हो रहा, और लोग हाथ से खींच रहे हैं गेट को और इसमें तुम्हारा लगेज उठा रहे हो, जहां मैंने बैग ऐसे कैरी कर रखा है और दो हाथ से यहाँ पे मेरा दो फोन और एक वॉलेट है, आगे वाले में कुछ नहीं है, और मैंने सबको बोला है प्लीज अपना फोन वगैरह ध्यान रखना, इसने मैंने बोला है हमें, मैंने चेक किया है कि मेरे वॉलेट में फोन है पास और क्या कहते हैं वॉलेट है और मेरे दोनों फोन है। हम अंदर गए, वो लड़कियां वापस आई, चढ़ी, केओस मचाया और उतर गई, और हमें पता चल गया ये लड़कियों ने कुछ गड़बड़ की है। मैंने मेरा बैग चार्मिका का हमें सामने पर दिख रहे कि उसकी चेन खुली हुई है, आई मीन न्यू इट कि कुछ तो गया, कुछ तो गया और मेरा वॉलेट चला गया गाइस, अब सिर्फ दो फोन है मेरे बैग में। थैंकफुली हमारे पास कुछ भी कैश नहीं था उसमें, ना हमारा पासपोर्ट था, बट मेरा वॉलेट मार्क्स एंड जेकब्स का था जो चला गया, उसके अंदर सारे कार्ड थे जो हमने इंस्टेंटली ब्लॉक कर दिया, सब पे ब्लॉक कर दिया, सब कुछ हमने ब्लॉक कर दिया। तो हमारा जो जो कीमत गई है वो है सिर्फ और सिर्फ हमारे वॉलेट की गई है, तो बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरे को सब कुछ जाके आधार कार्ड, मेरा पान कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस सब वापस लेना पड़ेगा, इट्स अ प्रोसेस, बट बहुत सेफ होने के बाद भी ये सारी चीजें, और थैंकफुली मेरा ऐसा मानना है कि देखो जो गया वो गया, और दुख तो है कि मार्क जेकब्स का उसी चेन में उसी में, और अगर फोन जाते ना तो हमारा कंटेंट जाता और बहुत बहुत फोन ले होता ना तो मतलब दिमाग खराब हो जाता, फिर हमें होता है कि हमें नहीं कर रही है ट्रिप, हम घर जाते हैं। पर भाई इटली वालों नौकरी दो अपनी लड़कियों को भाई, ये क्या चोरी जगाने का धंधा चालू करवा रहे हैं। इन जनरल मतलब हम जब फिर उसके बाद अमाल्फी गए, कपरी गए, वो बहुत सुंदर और इन जनरल भी था, मेरे को रोम से एक तो ये इंसिडेंट हो गया और उसके बाद भी इन जनरल मेरे को वाइब्स नहीं आ रही है सिटी से, अगर वेलकम ऐसे हो तो ठीक है। अब उसके बाद हमें ये सब पता चला, हम अब उस मेट्रो में हैं ऑलरेडी, तो अब हम वापस वो स्टेशन पे तो नहीं उतर सकते, और जो अंदर लोग थे उन्होंने भी कहा कि वो लड़कियां चार पांच ऐसे आएंगी ऐसे आएंगी, और पता है वो ना ध्यान रखती जिनके पास जो टूरिस्ट होते हैं जिनका सूटकेस होता है, तो हमसे पहले भी एक टूरिस्ट चले थे, आंटी बता रही थी कि उनको भी उन्होंने ऐसे ऐसे टच करने की कोशिश की बट उनको पता चल गया, पर हमारे सीन में ही हो गया था कि गेट बंद कर रहे थे, ये एक चीज है जो ये लोग मेट्रो में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट स्टेशन पर उतरे क्योंकि हमें लगे हम वहां जाके चेक तो करेंगे पुलिस को मिलेंगे, ये लोग ज्यादातर ऐसा हमने सुना है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, लोग कैश के पीछे ही भाग रहे होते हैं, और क्योंकि उन्होंने कार्ड से ट्राई भी किया 2 यूरो निकालने की ट्राई की पर वो नहीं पाया निकालने की ट्राई की, बट हमने तो फटाफट ब्लॉक कर दिया था, तो वी आर गुड, हमारा लॉस कुछ नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द कार्ड, बट वो मार्क जेकब्स हमने सेल पे ध्यान रख के पूरी बैठी नहीं लिया था, बस एक वो थाईलैंड से यार हमें इतनी सस्ती पुलिस ट्राई करती तो हो सकता था क्योंकि हर जगह सीसीटीवी है, हर जगह वो बंदी हमारे साथ थी, तो बंदी को हम बंदी को पहचान सकते हैं भाई, वो बंदी कौन सी थी, तुम वो चार बंदी तुम्हें पता है तुम्हारे यहाँ कौन सी, पुलिस को समझ शॉक के ऐसा कुछ हुआ, अरे उनके हर मिनट एवरीवेयर अच्छा वॉलेट चोरी हुआ क्या, होता रहता है हमारे इधर, होता है होता रहता है, इसलिए पानी वानी पीने के लिए पहले ये पूछा आपका पासपोर्ट गया, नहीं तो हम आपको पासपोर्ट ऑफिस ले जाते हैं, और पता है वो लोग सीधा पूछते हैं आपका पासपोर्ट गया, क्योंकि उनको पता होता है वॉलेट गया तो पासपोर्ट गया होगा, तो वो हमको शॉर्ट करके देना है। लकीली प्लीज डोंट कीप योर वॉलेट फोन एंड द पासपोर्ट ऑल टुगेदर, प्लीज डोंट, हाँ सब कुछ थोड़ा कैश अलग रखो, कैश भी अलग अलग जगह रखो, कार्ड भी अलग अलग जगह रखो, हमें थोड़ी सी खुशी तो है कि उन लड़कियों को कुछ नहीं मिला है फॉर रियल, मतलब उनको कैश वैश, जो ब्लू वाली जो ड्रेस वाली लड़की थी ना उसके तो हम पीछे गए, उसका मुंह भी छोटा हो गया था, तो वो हम यशी जब तो उसको ऐसे पकड़ा है इधर आ वो भाग रही है, तो पता चला थिंग वाज व्हेन द जब पुलिस मैन आए ना तब वो लोग ने बैग चेक की थी, वो पुलिस और उसके बैग में लड़की के बैग में एक ब्लैक कैप, एक ब्लैक जैकेट एंड अ लिपस्टिक, दैट्स इट,
लाइक कोई पैसा नहीं, कोई वॉलेट. इफ यू आर अ गर्ल तुम्हारे बैग में थोड़ी चीजें होगी इन थोड़ा वॉलेट या फिर कैश कुछ दिया थे. वो वॉलेट उन्होंने थ्रो किया है वो लड़की क्योंकि उसको पता था कि अभी ये लोग पुलिस के पास जाएंगे. उन्होंने उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम लोग वापस आएंगे और हम वो लड़की से बात कर रहे हैं. पुलिस बाजू में खड़ा है, वो लड़की भाग रही है. हमने सबको उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया, सब आगे बैग बैग लेके चल रहे. लोग ऐसे बैग लेके चलते थे, अब मैं भी ऐसे ऐसे. और इसको और छोटा कर लेते हैं, ये लिटरली ये ऐसे इन रोम पीपल एक्चुअली ट्रैवल. अब हम भी ऐसे ट्रैवल करेंगे गाइस, फैशन के बाढ़ में. हम ये लड़की टंगा के घूम रहे थे, हमने सबने अपने फोन इसमें से निकाल दिए थे. फोन हमने निकाल के हमारे बैग में. बैग यूं है गाइस, यूं है. एंड मैं बताती हूँ क्या हो गया. हमारे पास बैग है और वो बंद कर रहे हैं, तो मतलब जानवी लिटरली वो दो मेट्रो दरवाजे के बीच में फंसी है. एक सूट उसको इधर है, एक इधर है, तो वो खींच रही है. और दो तीन लड़कियां हैं जो उठा, मुझे तो लगता है वो उल्टी साइड ही मदद कर रही होंगी. मैंने यशवी को यही कहा, मैं आ रही थी बट मैं वहां पे बैग खींचे नहीं पा रही. क्योंकि उसके बाद हम लोग अभी यहाँ पे वापस अपने एयरबीएनबी पहुंचे हैं, बहुत स्मूथली पहुंचे हम, हमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई है. सो यस, इट वाज क्वाइट क्लियर. चलो गाइस, अब हम मिलते हैं आपसे. अगर हम शाम को बार बार जाएंगे तब पहले थोड़ा बेटर फील करते हैं. गाइस, हमने बस चाय बना के पी ली है, थोड़ा सा भाजी और टोस्ट खा लिया है. अब हमें थोड़ा बेटर फील हो रहा है. हमने और लोगों की वीडियो देखी है, हमने इतने सारे यूट्यूब शॉर्ट्स देखे हैं जहाँ पे लोगों की कैसे चोरी होता है. 99% लोगों की चोरी वैसे ही हुई है जैसे हमारी हुई है. बट वी हैव अ मेजर टिप टू गिव. अगर आपके पास लगेज है, आप यूरोप तक आ रहे हो ना भाई, 2,000-3,000-4,000 रुपया खर्च करो, टैक्सी कर लो. अगर आपके पास लगेज है तो टैक्सी कर लो, क्योंकि लगेज समेटने में ना आपका ध्यान इतनी सारी चीजों में होता है. अभी अगर हमारे पास अकेला जानने के पास वो होता ना, तो वो हो ही नहीं सकता था. और पता है, या तो अगर आप ठंडी में आ रहे हो तो आप क्रॉस बॉडी पहनो और ऊपर से कोट मारो, कोई आपके हाथ डाल नहीं पाएगा. बट अगर आप समर में आ रहे हो, बुक क्या. अभी मैं आपको फट से हमारा एयरबीएनबी का टूर दिखा देती हूँ, रुको. गाइज, सो दिस इज फ्रॉम वेर यू एंटर. हमारे पास लिफ्ट भी है, सीढ़ी भी है. और आप जैसे गेट के अंदर आते हो, यहाँ पे आपको ये व्यू मिलता है. आपको एक ही थोड़ी सी हॉन्टेड सी लाइट मिल रही है हर जगह, ये देखो. एंड देन वी हैव दिस थोड़ा सोफा सिचुएशन गोइंग ऑन हियर. इसको आप खींच के लंबा बेड भी बना सकते हो. यहाँ पे डाइनिंग टेबल, थोड़ी सी वर्क टेबल दी है, थोड़ा सा काम वाम भी कर रहे थे. और ये थोड़े स्टूल दे दिए हैं. सो यहाँ पे आपको एक सुंदर सी किचन मिल जाती है. यहाँ पे आपको साफ सफाई के लिए चीजें मिल जाती हैं, कॉफी मशीन, गर्म पानी. एंड देन वी हैव अ फुल लेंथ मिरर हियर. ये मिरर इज ऑल्सो अ डोर टू दिस वॉशरूम. यहाँ पे ऐसा होता है कि आप अपना सारा बिजनेस इधर करो और फिर आपको उठ के आना होता है और इधर अपना सारा साफ सफाई करना होता है. यहाँ पे जेट स्प्रे का सिस्टम नहीं है. एंड देन हमारे पास यहाँ पे ऐसे तैयार होने के लिए अच्छा से बेसिन वगैरह है. बहुत ही ज्यादा छोटा सा शार एरिया है, बट ठीक है. ये जगह ना हमने एकदम लास्ट मोमेंट पे बुक किया, पर हमें काफी सस्ते में पड़ी है, सो आई एम हैप्पी विथ इट. एंड देन यहाँ पे हमारे पास और लगेज वगैरह है, ये रस्ते में सारा सामान रखा हुआ है. यहाँ पे हमारे पास एक बेड है जिसको हमने ऑलरेडी मेस कर लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब खा पी रहे थे, सो टायर्ड, वी जस्ट वॉन्टेड टू रिलैक्स. तो यहाँ पे ये एक बेड है और यहाँ पे एक विंडो है जहाँ से ऐसा कुछ व्यू दिखता है. इट्स प्रिटी डिसेंट. जो प्राइस हमने पे किया है फॉर 3 nights, इट इज गुड. मेरी ना मम्मी जब भी ट्रेन में ट्रैवल करती थी, वो ऐसे सीक्रेट पॉकेट्स बना लेती थी. गाइज, इट इज इम्पोर्टेंट, जो अब हमें भी सीख लेना चाहिए. साइड मेरे में तो क्या करना पड़ेगा, दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग, एंड दिस इज व्हाट हाइट डिफरेंस मी एंड गर्ल्स भी एक्चुअली है. ट्रू, ये तो दिस इज द पॉकेट. मैं पैसे कहाँ पर रखूंगी. ये एक चेन है जो ऊपर से बंद होती है, ये चेन के अंदर ये चेन में आई विल कीप माय मनी. हां हां, ओके, दैट इज वेरी, यू कैन एक्चुअली कीप. फिर भी चोरी होगा तो फिर पैसा होगा, कितना टाइम लगेगा उनको. नहीं होगा, नहीं होगा. और गाइस, हम चलेंगे ऐसे ऐसे. हां, ये मैं भी ऐसे चलने वाली हूं गाइस. सामान लेके चलो, फिर चोरी हो सकता है सामान के. हां, मैं भी अपना पर्स ऐसे टंगाऊंगी और मैं इसको ऐसे लेके चलूंगी. गाइस, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो एक्सप्लोर रोम. और हमने जितने वीडियोस देखे हैं ना, वो सब वही स्टेशन के जहाँ से हमारा चोरी हुआ. हमने वीडियोस नहीं देखे थे गाइस, हमने पोसिदानो अमालपी के वीडियोस देखे थे,
very excited. We were like, Rome वगैरह में चोरी होती है, but we'll be sure. Like, we'll take care. But that take care करने के बाद भी हो रहा है हमारे साथ. जो जो ये हमारे vlog देख रहा है, अब आपकी चोरी नहीं होगी Rome में guys. तो please मेरे को थोड़ा पैसा दो. मैंने आपका पैसा बचाया है. इससे पहले हम लोग ऐसे मुंह चढ़ा के बैठे थे, बट नाउ वी आर लाइक ओके ब्रिंग इट ऑन. चोर लोग अभी हम तुमको बताएंगे, करके दिखाओ हमारी चोरी. जानवी मेकअप कर रही है अब, उसको सब अच्छा लग रहा है, अब उसका दिमाग भी चल रहा है. बट यस, आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है. अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कॉमेंट कर देना. आपका कुछ भी ओपिनियन हो, अगर आप इटली आए हो, अगर कहीं पर भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो प्लीज हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना. तो गाइज, ये हम इटली सीरीज कर रहे हैं, पार्ट 1 पूरी बेटी के चैनल पे, पार्ट 2 मेरे पे, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे चलने वाला है. सो मेक श्योर आप सारे ऐसे एपिसोड्स और सीरीज देखे रहना, आपको मजा आएगी आई होप. एंड यस, अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना. आई एम गोना सी इन माय नेक्स्ट वन. तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस. टाटा.